बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 1290 की बात है कि जब अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले खिलजी ख़ानदान के सपूत जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। बरसग़ीर में गयासुद्दीन बलबन की 1287 में मौत के बाद ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी, लिहाजा जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अंदर ख़ानदान ग़ुलामा या फिर स्लेव या ममलूक डिनेस्टी के आखिरी हुक्मरान मुइज़ुद्दीन कैकबाद को शिकस्त दी और बरसग़ीर में खिलजी हुकूमत की बुनियाद रख डाली। लेकिन खिलजियों की ज़्यादा देर हुकूमत बरसग़ीर पर कायम ना रह सकी, क्योंकि सिर्फ 30 साल की हुकूमत के बाद 1320 में खिलजी हुकूमत के आखिरी हुक्मरान खुसरो खान को तुगलक ख़ानदान के हाथों शिकस्त हो गई और यूँ बरसग़ीर पर खिलजी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई। खिलजी ख़ानदान के जिन हुक्मरानों ने बरसग़ीर पर हुकूमत की उनमें सर फहरिस्त जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है, जिन्होंने स्लेव डिनेस्टी के आखिरी हुक्मरान मुइज़ुद्दीन कैकबाद को शिकस्त दी और 1290 से लेकर 1296 तक बरसग़ीर पर हुकूमत की। खिलजी ख़ानदान के दूसरे और सबसे ताकतवर हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनका दौरे हुकूमत 1296 से लेकर 1316 तक है। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर का नाम आता है, जिनका दौरे हुकूमत शायद 1 से 1.5 माह तक था और इनका दौरे हुकूमत भी 1316 में ही स्टार्ट हुआ और 1316 में ही इख्तिताम पज़ीर हुआ। शहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का दौरे हुकूमत आता है और मुबारक शाह का दौरे हुकूमत 1316 से स्टार्ट होकर 1320 में इख्तिताम पज़ीर होता है। मुबारक शाह के बाद खिलजी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान खुसरो खान का दौरे हुकूमत आता है और ये 1320 से ही स्टार्ट होता है और 1320 में ही तुगलक ख़ानदान के हाथों इसकी शिकस्त होती है और खिलजी ख़ानदान की जो हुकूमत है वो प्रॉपरली अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोस्तों, ये था खिलजी ख़ानदान का दौरे हुकूमत। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे तुगलक ख़ानदान का दौरे हुकूमत शेयर करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ा दौरे हुकूमत है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।